हेलो दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे 49ml जो T2MI पे चैनल चलते हैं उनको चला के दिखाएंगे। और दोस्तों, उससे पहले हम आपको अपने बॉक्स का रिव्यू दिखा दें जो हमने अनबॉक्स किया था, बॉक्स स्टार ट्रैक वाला। तो उसका कुछ फीचर जो मीनू हैं उनको दिखा दें। तो ये दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सभी प्रकार का की सपोर्ट करता है। तो इसमें इंस्टॉलेशन में ही पैच मेनू का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको हर टाइप का की का सपोर्ट मिल जाएगा। और इंस्टॉलेशन के बाद इसमें चैनल मैनेजर में एडिट और सिस्टम सेटिंग में सिस्टम OSD पर। और दोस्तों, ये सिस्टम इन्फो आप देख लीजिए, ये मई 2020 का सॉफ्टवेयर है। और दूसरा एक्स्ट्रा टाइम सेटिंग है एक्सपेंशन। दोस्तों, इसमें आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसमें जो सर्वर आता है वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों फ़न कैम आता है 1 ईयर का, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़न कैम यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 ईयर के साथ में। और इसमें दोस्तों CC कैम भी चल जाता है, तो जैसा आप यूज करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं इसको। अभी ये डब्बा हमने नेट से नहीं कनेक्ट किया। तो अब दोस्तों आपको हम कुछ चैनल दिखा दें YAML 49 ईस्ट के। तो दोस्तों, इस समय में 30 से 35 चैनल दोस्तों मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एक चैनल यहाँ पे देख लीजिए चल रहा है RTR प्लानेटा नाम का। तो यहाँ पे प्रोग्राम आ रहे हैं टेस्ट आर। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, इसका इम्पैक्ट 2 का स्ट्रॉन्ग TP भी है ये, और ये एक नया TP ऐड हुआ दोस्तों। ये दोस्तों नॉर्मल रिसीवर पे भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं आपको T2MI वाला बॉक्स हो, तो नॉर्मल रिसीवर भी चल जाते हैं। जैसे सन प्लस के 8007 8009 इन पर भी इसके सिग्नल मिल जाते हैं। तो ये अभी नया TP ऐड हुआ है और इसका सिग्नल भी ठीक है दोस्तों। हम 5 फिट की जो इस हमने लगा रखी है वही वाली, इस पर हमने पिछली बार 2-3 अपडेट दिए हैं YAML 49 के। तो हमारा जो डिस है वो 5 फिट का लगा हुआ है, तो उसी पे दोस्तों ये हमने ट्रैक किया है। तो डिस का अगर आप वीडियो सेटिंग का देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आप देखिए, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो डिस सेटिंग का वीडियो भी आप इसका देख सकते हैं। बाकी इसमें अच्छे अच्छे चैनल ऐड हुए हैं। और डिस सेटिंग का वीडियो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप डिस सेटिंग का इसका वीडियो देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे चैनल इसमें ऐड हुए हैं। तो अब दोस्तों हम कुछ आपको T2MI वाले चैनल दिखा दें। तो ये डब्बा आपको हमने जब अनबॉक्सिंग की थी तो उसमें दिखाया था, उसमें लिखा था ये मल्टी स्ट्रीम पे काम करता है। तो ये जो T2MI वाला अपना चैनल है उसको भी सपोर्ट करता। तो ये आप देख लीजिए, ये जो TP है ये दोस्तों T2MI वाला TP है। तो यहाँ आप TP देख सकते हैं 3657 हॉरिजॉन्टल 15585। तो ये दोस्तों T2MI वाला हल्का सा दोस्तों, इस टाइम जब मैं वीडियो को शूट कर रहा था तो इस टाइम दोस्तों हल्का सा सिग्नल कम आ रहा है। तो हो सकता है कल हम इसको डिस्ट को थोड़ा और फाइन ट्यून करेंगे, आज थोड़ी सी कमी रह गई, हमने जल्दी में सेट कर दिया, तो कल और इसको सेट करेंगे फाइन ट्यून। तो ये थोड़ी हल्की सी जो स्क्रैचिंग आ रही है ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए अच्छे अच्छे चैनल आप देखते जाइए, आपको सब मालूम है कि इसमें कौन कौन से चैनल आते, बताने की ज़रूरत नहीं। CTC दोस्तों यहाँ पे चल रहा है और इसमें भी कोई मूवी चल रही है, और CNAC ये चैनल। और दोस्तों सबसे फेवरेट चैनल जो RenTV जो Pay TV नाम से, इसमें भी कोई मूवी यहाँ पर चल रही है। थोड़ा सा सिग्नल का थोड़ा इशू है थोड़ा सा, तो वो अब ये एक 3636 हॉरिजॉन्टल 15585। ये भी दोस्तों T2MI वाला ही TP है, ये भी दोस्तों T2MI का TP है और बिल्कुल मस्त चल रहा, बिल्कुल मक्खन के तरीके से यहाँ पे आपको चलता हुआ नज़र आ जाएगा। और आप इसमें एक एक करके चैनल देख लीजिए, इसमें 30-35 चैनल हमें मिले हुए हैं और अच्छा उनमें कंटेंट आ रहा है। HTV चैनल दोस्तों, ये मैच जिसमें स्पोर्ट आता रहता है। तो ये थे कुछ ML के जो नए चैनल ऐड हुए हैं उनकी अपडेट। दोस्तों इस बॉक्स में आपको फन कैम भी मिल जाता है 1 ईयर का, जिसमें आप 108 का पैकेज, 88 का पैकेज और 95 का पैकेज आप देख सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये बॉक्स आपको बढ़िया लग रहा है तो आप बॉक्स हमसे ख़रीद सकते हैं, ये बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो बॉक्स के लिए आप नंबर डिस्क्रिप्शन में देख लें तो वहाँ पर नंबर मिल जाएगा, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।